हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ईसीओ 02 अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल यूनिट 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यूनिट 5 के अंदर हम किस किस टॉपिक को देखेंगे, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और प्रॉमिसरी नोट आता है, मेनली हम इन दोनों को पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था। उसके बाद है टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ अ बिल की टर्म, किस तरह से हम ड्यू डेट निकालते हैं किसी भी बिल की। ठीक है, तो वो क्या था कि कोई भी दी हुई है डेट, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर 30 डेज दिए हैं या 60 डेज दिए हैं या 90 डेज दिए, अगर 3 मंथ दिए हैं तो हम एज 90 डेज काउंट करते हैं, अगर 2 मंथ दिए हैं तो हम उसको 60 डेज की तरफ काउंट करते हैं। ठीक है, और 3 डेज जो है वो हम ग्रेस के एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द होल्डर एंड इट्स अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द होल्डर एंड इट्स अकाउंटिंग, और ये पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द बिल बाय द एक्सेप्टर एंड इट्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द होल्डर एंड इट्स अकाउंटिंग, तो जो होल्डर कौन होता है, जैसे अगर मान लो एक सेलर है और एक रिसीवर है। ठीक है, तो सेलर ने क्या किया कि कोई भी गुड्स किसी को बेचे, उसके बाद में उसने एक क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद में ड्रॉई को दे दिया, ड्रॉई कौन, जो मतलब जिसने उस परचेज किया है उस सामान को, ठीक है, गुड्स को परचेज किया, तो वो कौन बन जाएगा, ड्रॉई बन जाएगा, जो हमने पिछली वीडियोज में देखा था। ठीक है, उस ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो बिल किसके पास रहेगा, क्योंकि जब ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो इस चीज़ को पे करेगा, तो वो बिल किसके पास रहेगा, सेलर के पास में। ठीक है, कि हाँ जब ये पर्सन आएगा मुझे पैसे देने के लिए तो ये बिल मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस इस बिल के किस तरह से एंट्री पास करेगा अपने अकाउंट में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ ये एंट्री होगी जब बिल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कौन, जो हमारा ड्रॉई है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो हमारा बिल होल्डर है वो उसकी एंट्री पास करेगा, बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कि ड्रॉई से उसको पैसे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम द ड्रॉई, कि ड्रॉई से हमें एक्सेप्टेंस मिल गई है। ठीक है, इसके बाद में ये जो पर्सन होता है होल्डर, ठीक है, वो इसको 3 तरह से ट्रीट करता है। एक होता है हमारे पास रिटेनिंग ऑफ द बिल, ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंटिंग द बिल, नेक्स्ट लास्ट में आता है इंडोर्सिंग द बिल। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। जब किसी भी रिटेनिंग द बिल क्या होता है कि जब हम कोई भी एक, मतलब मान लो एक सेलर है और एक रिसीवर है, तो जब सेलर ने रिसीवर को बिल दिया उस टाइम पे उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, ठीक है, जो हमारा ड्रॉई था जिसने उसको परचेज किया था गुड्स को, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट तो कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो बिल सेलर संभाल कर रखता है अपने पास, ठीक है, यानी कि ड्रॉअर जब तक उस बिल को संभाल कर रखता है तब तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती, ठीक है, तो उसको हम रिटेनिंग द बिल बोलते हैं। तो इसकी सिंपल एंट्री होती है बिल अकाउंट डेबिट, सॉरी इसमें बिल नहीं आता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट आता है। ठीक है, वो गलती से हो गया, यहाँ पर आता है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो गया, उसने पे किया अमाउंट और हमने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा उसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से पास होती है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे बींग, नरेशन में लिखेंगे बींग पेमेंट रिसीव, की पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है। ठीक है, तो एक था हमारा रिटेनिंग द बिल की किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंटिंग द बिल। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लो कि जो हमारा ड्रॉअर है, ठीक है, जो सेलर है, ठीक है, उसको अगर पैसे की ज़रूरत मैच्योरिटी डेट से पहले पड़ जाती है, ठीक है, अगर मान लो 3 मंथ है मैच्योरिटी डेट या 2 मंथ है मैच्योरिटी डेट, जब वो बिल जो है कंप्लीट होने वाला है, पर उससे पहले उसको ना पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जाता है बैंक के पास, तो बैंक उसमें से कुछ अपना इंटरेस्ट काट लेता है और उसके बाद में उसको वो अमाउंट दे देता है। तो जो बैंक होता है, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट काट रहा है ना, उसको हम एज अ डिस्काउंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है,
डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो डेबिट क्या है, बैंक अकाउंट से पैसा आ रहा है, डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया उसी के ऊपर, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स जो है वो हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, बींग बिल डिस्काउंट, ठीक है, जो बिल का यहाँ पर डिस्काउंट वाली एंट्री थी वो कुछ इस तरह से पास होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडोर्सिंग ऑफ द बिल। अब इंडोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ए पर ए ने कोई सामान बेचा, ठीक है, और बी ने उसको परचेज किया, ठीक है, और इसने इसको बिल बना कर दिया और इसने इसको साइन कर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि जब ये जो तुम इसको बिल दोगे ना, ठीक है, तो इसको इसका पैसा जो है ना वो इसको पे कर देना, कोई भी अदर थर्ड पार्टी है, जब हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है किसके द्वारा, थर्ड पार्टी को देना है उसका अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ये कह रहा है कि जो पेमेंट करोगे ना वो सी को करना, ठीक है, पेमेंट जितनी भी देनी है वो सी को करना। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि बिल का इंडोर्समेंट हो गया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोर्सी, जो थर्ड पार्टी होती है उसको हम इंडोर्सी बोलते हैं, और जो हमारा ड्रॉअर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, जो ड्रॉअर है उसकी बुक में किस तरह से एंट्री पास होगी, इंडोर्सी यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है बुक ऑफ इंडोर्सी, इंडोर्सी की बुक में किस तरह से इसकी एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर, ठीक है, इंडोर्सर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बींग बिल इंडोर्स हो गया है बिल, और यहाँ पर क्या हो गया, इसको रिसीव हो गया है बिल, ठीक है। उसके बाद है व्हेन पेमेंट रिसीव बाय द इंडोर्सी, कि जो हमारा ये सी पार्टी है अगर इसको पेमेंट मिल जाती है तो ये किस तरह से एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिंग पेमेंट रिसीव, यहाँ पर क्या है, पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है, इसकी नरेशन होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब जहां पर भी हम थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, इंडोर्समेंट वाली एंट्री होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द एक्सेप्टर एंड इट्स अकाउंटिंग, कि जो एक्सेप्टर होता है ना, जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, तो वो अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीट करेगा इसको, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं होती है, ठीक है, और कोई भी इंडोर्सी वाली एंट्री नहीं होती है, इसके अंदर सिंपल दो एंट्री होती है, एक तो कब होगी, जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है बिल को, और एक जब होगी जब वो उसको पे कर रहा होगा, तो इसकी कुछ इस तरह की एंट्री होगी, ये मैंने जनरल बनाया हुआ, इसी के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कोई भी डेट डाल रखी है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद है ड्रॉअर डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, ये कौन है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होगा, हमारा जो ड्रॉई होगा, ठीक है, ड्रॉअर नहीं, जो ड्रॉई होगा, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, इसको इसने बिल देना है, ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्टर अपनी बुक में इस तरह की एंट्री करेगा। उसके बाद जब ये पे करेगा, पे करेगा तो किससे करेगा, अब वही हो गया, यहाँ पर क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो उसने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सेप्टर और जो हमारा होल्डर है उसमें किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पढ़कर अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको वीडियो को पॉज कर यहीं पर इसकी एंट्रीज को पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में इसके आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लें, उसके बाद में वीडियो को पॉज कर लें ताकि मैं नेक्स्ट इसका आंसर दिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ऑन जनवरी 1, 1987 अ ए सोल्ड टू बी गुड्स वर्थ 1500, ठीक है, ए ने बी को गुड्स जो है वो बेच दिए 1500 रुपए में, ऑन द सेम डेट ही ड्रॉन ऑन बिल 3 bills, मतलब 3 bills फॉर 6 months, ठीक है, उसने क्या किया यहाँ पर ना, बिल बनाया, ठीक है, 3 months के लिए, एक मिनट, बी ड्रॉ ऑन बी, ठीक है, बी पे बिल बनाया इसने 3 bills फॉर 600, 500 और 400, ठीक है, 3 bills बनाए इसने 600, 500 और 400 के लिए,
टोटल हो गए ना 1500 रुपये फॉर 1 month, ठीक है। 2 month, फर्स्ट मंथ में वो कितने देगा, 600 रुपये देगा, सेकंड मंथ में वो कितने देगा, 500 रुपये देगा, और थर्ड मंथ में वो कितने देगा, 400 रुपये देगा, ठीक है। उसने इसका ये एक बिल बनाया है, ठीक है। बी एक्सेप्ट ऑल द 3 bills एंड सेंड देम बैक टू ए। अब उसने क्या किया कि बिल ने, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको वापस कर दिया ए को, ठीक है। ए रिटेन द फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल, ठीक है, ए ने रिटेन किया फर्स्ट बिल, यानी कि उसने पूरा पे कर दिया। सेकंड में क्या हुआ, डिस्काउंटिंग द सेकंड बिल, सेकंड में डिस्काउंटिंग वाली एंट्री हो गई, ठीक है, 495 उसको मिले, और 5 रुपये क्या हो गए, 5 रुपये, हाँ 5 रुपये क्या हो गए, इंटरेस्ट, बैंक जो अपना इंटरेस्ट काटता है तो वो हमने डिस्काउंट की तरह ट्रीट करना है। उसके बाद हुआ एंड इंडोर्स द थर्ड बिल टू सी। अब यहाँ पर सबकी एंट्री आ गई है एक ही साथ में, तो आपको इसको समझ लेना है अच्छे से। ऑन द ड्यू डेट बी मेट द एक्सेप्टेंस, ठीक है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ए बी और सी। इंडोर्सी के में भी करना है, ड्रॉई की भी, और ड्रॉवर, सबकी एंट्रीज हमें इसमें पास करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पर ड्रॉवर के में किस तरह से जनरल एंट्री पास होगी। तो बी ने यहाँ पर क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर 1500 रुपये में हमने इसको गुड्स बेचे हैं, वो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। फिर उसके बाद में इसने बिल को एक्सेप्ट करा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 600 रुपये का, फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, उसके बाद 500 रुपये का, फिर 400 रुपये का। ये तीनों एंट्री तब करते हैं जब बिल को पास, जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो मैंने अभी ये पढ़ाया था। अब उसके बाद है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। फर्स्ट में क्या हुआ था, हमारी रिटेन वाली एंट्री हुई थी ना, फर्स्ट में हमारी रिटेन वाली एंट्री हुई थी जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये तो हमने डिस्काउंट जो सॉरी बिल बनाया है उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर दी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट, अब यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट और 5 रुपये किसके, डिस्काउंट के कट गए, और 500 रुपये हमारा जो था बिल रिसीवेबल अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, सी अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारे पास आ गया कि सी ने, सी को इसने ये जो था वो दे दिया, इंडोर्सी हो, इंडोर्सी हो गया ना यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद में इंडोर्सी कौन हो गया, सी हो गया ना, बींग थर्ड पार्ट थर्ड बिल इंडोर्स टू सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, फिर फोर्थ यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और किसमें, सारा पैसे कहाँ पे आ गया आपके पास, बैंक में आ गया, और बिल रिसीवेबल का सारा पैसा आ गया, रिटेन वाली एंट्री थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रिटेन वाली एंट्री थी, ये इंडोर्समेंट वाली एंट्री थी, और ये हमारी डिस्काउंट वाली एंट्री थी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको यहीं पर समझाया था, वैसे ही इसके अंदर हमने एंट्रीज की हैं तीनों की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डेट जो है वो ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट मंथ में होगा, सेकंड मंथ में होगा, थ्री मंथ में होगा, किस तरह से होगा, तो वो आपको यहाँ से डेट को भी देखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारा ड्रॉई है उसके बुक में किस तरह से हम जनरल एंट्री को पास करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कि ए से हमने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। उसके बाद आ गया कि ए की वजह से हमने जो है बिल को एक्सेप्ट किया है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में एंट्री आएगी तीनों तीनों के लिए आएगी, एक तो 600 रुपये का, फिर 500 रुपये का, और फिर 400 रुपये का, ये तीनों जो थे ये हमने एक्सेप्ट किए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि उसने जो था सारा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया है उसको, ठीक है। उसके बाद है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो उसने बैंक को पैसे पैसे तो बैंक को ही पे करने हैं ना। फिर उसके बाद में तीनों में ही क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी जो हमारा ड्रॉई होता है वो चाहे उस इंडोर्स करे बिल, चाहे वो किसी में भी डिस्काउंट वाली एंट्री हो, ठीक है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे उसको कोई मतलब नहीं है, इसे तो सारे पैसे किसको देने हैं, ए को ही देने हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी बुक में वही एंट्रीज पास करेगा ना, तो यहाँ पर इसने सेम वही किया है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारा इंडोर्सी था उसकी किस तरह की बुक में जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है। तो बुक्स ऑफ
सी इंडोर्सी जो है उसके में किस तरह से होगी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, इसने किससे एक्सेप्ट किया है बिल, ए से, ठीक है। उसके बाद में कितने वाला, 400 वाला, ठीक है, 400 वाला ही तो इंडोर्स हुआ था ना। उसके बाद में बिल अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको पैसे मिल गए 400 रुपए, तो इसने अपनी एंट्री कर दी। एक बार तो उसने बिल को रिसीव किया, उसकी एंट्री कर दी, एक बार उसने उसकी एंट्री कर दी जब उसको पैसे मिल गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।